तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस तरह से बोलता है, फर्स्ट हीट ऑलवेज फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। दूसरा, ये सब सेकंड लॉ के अलग अलग स्टेटमेंट है और ये सारे स्टेटमेंट एक दूसरे के एसर्शन रीजन है, यानी सब एक दूसरे से रिलेटेड है। भले ही लैंग्वेज में अलग फील आ रही है लेकिन है एक ही स्टेटमेंट, हम प्रूव करेंगे इसको कि एक ही चीज़ है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नेक्स्ट, हीट कैन नॉट कन्वर्ट इन 100% वर्क। आप हीट को पूरी तरह से वर्क को कन्वर्ट नहीं कर सकते, वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड, आप कोई भी ऐसी साइकिल नहीं बना सकते जिसकी वजह से पूरी हीट वर्क में चेंज हो जाए। आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और वर्ड आ रहा था, एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारे लिए नया वर्ड है, इसका मतलब होता है डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, ऑब्लिक रैंडमनेस। एंट्रोपी चेंज फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव, यानी वही प्रोसेस पॉसिबल होगा जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी। यानी हमारे लिए एंट्रोपी इज नॉट ए कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन क्वांटिटी। एंट्रोपी इज नॉट ए कंजर्वेशन क्वांटिटी। वेयर एज एनर्जी इज कंजर्व क्वांटिटी। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यू इंक्रीजेस वेयर एज एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये भी लिख लीजिए, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यू, एंट्रोपी लिखा है, सॉरी एनर्जी लिखा है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, कंजर्व का मतलब कॉन्स्टेंट, वेयर एज एंट्रोपी, कंजर्व का मतलब कॉन्स्टेंट, वेयर एज एंट्रोपी कंटिन्यू इंक्रीजेस। Continue increases. Fourth, fifth, अगर हम बात करते हैं इसी चीज को, ऐसे समझना है हमारे को कि हमने बहुत सारे स्टेटमेंट बना दिए और हम इन सब चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना चाहते हैं, तो मैथमेटिकल भी हमें मालूम होना चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ सेकंड लॉ, आपको मालूम है फर्स्ट लॉ का आपने पढ़ा था डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ आप पढ़ोगे डेल्टा एस या डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी, डी क्यू बाय टी। इसका मतलब एक और की पॉइंट यहाँ निकल के आएगा, डी क्यू एंड डी एस आर इन सेम साइन, सेम साइन। तो जब भी
आपका डी क्यू पॉजिटिव होगा, डी एस पॉजिटिव होगा और डी एस पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, बस खत्म बात। तो हमारे लिए डी एस एंड डी क्यू आर इज इन सेम साइन, बहुत सही हमारे पास पॉइंट्स हो रहा है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी को और ज्यादा डेप्थ में कि एंट्रोपी है क्या। तो हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंट्रोपी।